अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और शासन करो राजनीति से भारत के अनेकों राजाओं को समर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे समय में यशवंतराव होलकर जी ने अपनी समझ और आत्मविश्वास से अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। चारों भाइयों में सबसे छोटे होने के कारण उनका राजा बनना नामुमकिन था, इसलिए उन्होंने कभी इसकी कामना नहीं की थी। लेकिन आपसी लड़ाई के कारण होलकर साम्राज्य छिन गया और उनके परिवार को भी कैद कर लिया गया। ऐसी स्थिति में निराश न होते हुए उन्होंने फिर से सेना का गठन किया और अपने परिवार को रिहा कराया और अपने राज्य की फिर से स्थापना की। यशवंतराव जी की युद्ध नीति इतनी कुशल और प्रभावशाली थी कि उन्हें अंग्रेज भारत का नेपोलियन कहते थे। उनकी भरतपुर की लड़ाई वाटरलू की लड़ाई से भी उत्तम मानी जाती है। यशवंतराव जानते थे कि अगर अंग्रेजों को भारत से न भगाया तो सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए उन्होंने आपसी मनमुटाव मिटाकर अनेकों भारतीय राजाओं को साथ में लड़ने के लिए पत्र लिखे। पर स्वार्थी और डरे हुए राजा कभी साथ ना, अगर सब साथ आ जाते तो आज भारत की कुछ अलग ही तस्वीर होती।